Hello student, we are again in online classes from WWSOS class 9 subject science 1 current electricity. Okay, we are in page number 42. 42 page number पे से लेंगे और वहाँ पहला problem दिया है जो base है solve examples of resistors in parallel. Okay, then see here example number 1. Resistors having resistance of 15 ohm, 20 ohm and 10 ohm are connected in parallel. So R1 15 ohm है, R2 20 ohm है, R3 10 ohm है. Okay? और ये parallel में लगे हैं, इसलिए formula use किया जाएगा 1 upon RB is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Here we should put the value. R1 की value 15 है, that's why 1 upon R1 plus 1 upon R2 यानी 20, 1 upon तो अब यहाँ LCM फाइंड करना है. LCM फाइंड करने बहुत ही सिंपल ट्रिक है. यहाँ देखिए 15 का टेबल, 20 का टेबल है, 10 का टेबल, और जो सबसे छोटा नंबर आता है टेबल के अंदर उसको सर्कल कर लिए जो कॉमन है तीनों में से. ओके, तो अब देखिए ये 15 के टेबल में कितने नंबर पर आ रहा है, 1 2 3 4, दैट्स व्हाई आई लाइक हियर 4. देन 20 के टेबल में देखिए 1 2 3, दैट्स व्हाई आई लाइक हियर 3. एंड द सेम वे हियर 6 एंड 1 × 6 यानी 6. ओके, अब इसका एडिशन करेंगे तो 13/60 आएगा. 1 upon RP इज इक्वल टू 13/60 बाय इनवर्टेड लूप. सिंपल मेथड है, बाय इनवर्टेड लूप अगर करते हैं तो RP/1 इज इक्वल टू 60/13. एंड सिंपल डिवीजन करेंगे, 60 को 30 से अगर डिवाइड करते हैं तो RP इज इक्वल टू 4.615 ओम. अगेन लेसन यह पॉइंट के बाद पे जो नंबर है उसे ऐसा ही बोलना है 4.615. इट मस्ट से इन मैथमेटिकल फॉर्म, कभी भी इसको 615 ना बोला कीजिए, इसे कहेंगे अपन 4.615 ओम. ओके, आई होप दिस एग्जांपल यू गॉट एंड व्हाट इज द फाइनल आंसर. व्हाट एवर यू आस्क इन द एग्जांपल, उसने क्या पूछा है, व्हाट आर द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सर्किट, देन राइट डाउन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज इक्वल टू 4.615 ओम लेस देन द लिस्ट ऑफ द 3. और ये 4.615 अगर देखते हैं तो ये तीनों से भी कम है, तीनों से भी, R1 R2 R3 से ये जो RP की वैल्यू है ये सबसे कम आ रही है. नाउ फॉर द एग्जांपल नंबर 2, द रेजिस्टर्स हैविंग द रेजिस्टेंस, फिर से R1 R2 R3 3 रेजिस्टेंस दिया है और इसका कांस्टेंट होल्ड पोटेंशियल डिफरेंस रहता है 12 वोल्ट. R1 है 5 ओम, R2 इज 10 ओम एंड R3 इज 30 ओम. तो सबसे पहले यहां देखिए क्या कहा गया है, 3 रेजिस्टेंस हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम आर कनेक्टेड इन द पैरेलल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट. ओके, इज अप्लाइड अक्रॉस देम, ऑब्टेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. अब ये पैरेलल है तो हर किसी के इसमें करंट अलग अलग होगा, यानी I1 I2 I3 3 रेजिस्टेंस है तो 3 करंट फ्लो भी देखना पड़ेगा. I1 I2 I3 ये फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि ये पैरेलल में. देन व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सर्किट, और फाइंड करना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस. पैरेलल है यानी 1/RP, ये फार्मूला फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले वी शुड कैलकुलेट द करंट. तो I1 इज इक्वल टू V/R1, 12/5 कैलकुलेट अगर डिवाइड कर दें तो 2.4 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो होगा R1 रेजिस्टर के अंदर से. देन R2 रेजिस्टर के अंदर से V/R2 12/10 1.2, सिर्फ एक पॉइंट रखना है डेसिमल. देन 1.2 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस I2. ओके, देन फॉर द R3 V/R3 इज इक्वल टू 12/13 4/10. 4 कैसा आया, 3 × 4 = 12 × 10 = 30, 4/10. और इसको अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो 0.48 करंट पासिंग थ्रू I3 करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस R3. अब फाइंड करना है टोटल करंट. टोटल करंट भी निकालना है. टोटल करंट इज इक्वल टू अगेन फार्मूला यूज, I1 + I2 + I3 इज इक्वल टू 2.4 + 1.2 + 0.8, और इसको ऐड करते हैं तो 4 एम्पियर करंट फ्लो होगा अक्रॉस द होल सर्किट. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है 1/RP इज इक्वल टू, फाइनल फार्मूला लिखेंगे, बेसिक फार्मूला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. हियर पुट द वैल्यू एज गिवन, R1 इज अ 5 एम्पियर एंड R2 इज इक्वल टू 10 एम्पियर एंड R3 इज इक्वल
R3 is equal to 30 ohm. यहाँ पुट करनी है वैल्यू, टेबल लिखेंगे, फिर से LCM निकालेंगे, 5 के टेबल में 30 है, कॉमन आया हुआ है तो 5 के टेबल में 30 है, 6 के इसमें आता है, 5 6 आर 10 3 आर 31 सा, 6 plus 3 plus 1 10 upon 30 again 1 upon R3 is equal to 10 upon 30. आर इसको फिर से इन्वर्ट इनटू लगाएंगे, R3 upon बनाएगा 30 upon 10 यानी R3 is equal to 3. तो फाइनल आंसर अपने को पूछा है, अच्छे से देखिए लास्ट दो लाइंस एग्जांपल 2 की, ऑब्टेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. तो करंट पूछा है कितना करंट हुआ है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 4 एम्पियर. टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट कितना है, 4 एम्पियर. और क्या पूछा है, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है ये भी पूछा है. तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखिए 3 ओम, ये जो आया है इफेक्टिव है 3 ओम, इसे लिखेंगे 3 ओम. और ये तो टोटल करंट हो गया, लेकिन फिर देखिए 5 रेजिस्टेंस के लिए मानेंगे के लिए करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस 5 ओम 10 ओम एंड 30 ओम. क्या है 5 ओम के लिए 2.4 एम्पियर, 1.2 एम्पियर एंड 0.4 एम्पियर, ऐसा फाइनल आंसर लिखना है. आई होप दिस टू एग्जांपल्स यू got it. And next portion, this is cancelled for this year, this is also reduced, and this portion will be in next video. Okay, thank you.